तो ये गलत कानून बनाया है। फिर भी मैंने इनको आश्वासन दिया अगर यहाँ कहीं धरना प्रदर्शन जो भी ये करेंगे उसमें मैं शामिल होऊंगा और इसका उनका पूरा सहयोग मिलेगा। भाजपा सरकार द्वारा बनाया गया ड्राइवरों का हिट एंड रन कानून ड्राइवरों के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। ड्राइवर आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं रोड जाम कर रहे हैं। काले कानून को वापस लेने के लिए मेवात के ड्राइवर अब मेवात के नेताओं का भी सहयोग की मांग कर रहे हैं। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के लोगों ने भाजपा में पूर्व राज्य मंत्री रहे रईसा खान को ज्ञापन देकर ड्राइवरों के लिए बनाए गए काले कानून को लेकर जानकारी दी और सहयोग मांगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व विधायक पूर्व राज्य मंत्री रईसा खान का कहना है कि जो कानून सरकार ने बनाया है वह गलत है। रईसा खान बोले कि मैं भी एक ड्राइवर हूँ, लगभग 22 करोड़ ड्राइवर हैं, यह गलत कानून है। सरकार को इस तरह के कानून को वापस ले लेना चाहिए और सरकार को मजबूरन ये वापस लेना पड़ेगा। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में 22 करोड़ ड्राइवर कम नहीं होते। उनका कहना है कि ड्राइवर को ड्राइवरों का घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा, उनका पूरा परिवार बिखर जाएगा, देश का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, कोई रोड पर चल नहीं पाएगा। भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रईसा खान ने सरकार से मांग की है इस कानून को वापस लिया जाए। उनका कहना है कि वह ड्राइवर के साथ धरना प्रदर्शन जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मैं ड्राइवरों का साथ दूंगा। आप देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। फिर भी मैंने इनको आश्वासन दिया अगर यहाँ कहीं धरना प्रदर्शन जो भी ये करेंगे उसमें मैं शामिल होऊंगा और इसका उनका पूरा सहयोग मिलेगा। सर जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जन को जागरूक करना चाहता हूँ। जो केंद्र सरकार द्वारा जो रन हिंट का कानून जो बना है, काला कानून हम बोलते हैं इसको, ये बहुत से देखने में सुनने में आ रहा है कि सोच रहे हैं ड्राइवर के लिए, ट्रक ड्राइवर के लिए। मैं सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये काला कानून है, ये सभी आम जन के लिए है। तो इसमें जनता को और समाज सेवी के लोग है, जो भी जितने भी हमारे राजनीतिक दल के लोग है, सभी को इस काले कानून के विरोध में संगठन का साथ देने की जरूरत है। जो कि कल हम परमिशन लेकर अपने डीसी साहब नूह से और इस धरने को हम जारी करेंगे, इस काले कानून का पूरे जोर जोर से विरोध करेंगे और अपनी अहम 29 मांगों के लिए कई बार ज्ञापन दे भी चुके हैं और उसके लिए भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। खान मोहम्मद है जी, पिछले कई दिनों से आप लगातार इस हिट एंड रन कानून को रद्द कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं जी, तो क्या हुआ? सर हम डोल रहे हैं इसके बारे में और सारे ड्राइवर भाई से हाथ जोड़ के हम इस गुजारिश को करते हैं, सारे भाई ड्राइवर जितने भी हैं आप गाड़ी से उतर जाए। आप हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाए और हम जो है इस काले कानून से बहुत ज्यादा दुखी हैं। हर समाज, हर ड्राइवर समाज इससे पूरा दुखी है। हम जो है इसके लिए डोल रहे हैं, आज हम यहाँ आए हैं इसी मतलब अपनी पीढ़ी अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद जय भारत। मैं ओल्ड ड्राइवरों की यूनियन दिखनी चाहिए थी, वो यूनियन दिखी नहीं है, क्या वजह है? सर जी, जो हमारे ओल्ड ड्राइवर कल्याण संघ भारत के हमारे कार्यकर्ता हैं और हम काफी दिनों से संघर्ष करते आ रहे हैं और जो पूरे भारत के अंदर हमारा संघर्ष चल रहा है और हम सभी ड्राइवर भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं, जो हमारे ड्राइवर भाइयों के ऊपर जो काला कानून निकला है, हम इसको काला कानून ही बोलेंगे, काला कानून है और फांसी का फंदा है। जितने भी मेरे ड्राइवर भाई हमारी जहां तक भी आवाज सुन पा रहे हैं, अपने गाड़ियों को सुरक्षित जगह पर खड़ी करके और अपने अपने घर आ जाए, ना ही तो हमें किसी सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ना ही हमारे को कोई और संघर्ष करना पड़ेगा। सबसे बड़ी लड़ाई हमारी यही है कि हमारे हर ड्राइवर भाई अपनी गाड़ियों को छोड़ करके अपने घर पे आ जाए। आज मरहूम चौधरी अजमत खान की 30वीं बरसी पे आप आए हैं और उनके साहिबजादा दोनों रईसा और आजाद को कुछ इस बारे में ज्ञापन वगैरह सौंपा? जी सर जी, मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं, हमारे जो पूर्व हमारे विधायक जी है रईस खान साहब जी, उनको हमने 29 मांगों का ज्ञापन दिया है और अपने जो काले कानून के लिए उनके बारे में भी हमने उनको बताया है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम संघ के साथ है और इस जो काला कानून है इसको हम जल्द वापस कराएंगे और उन्होंने बोला भी है, इसके बारे में चर्चा चल रही है।
अंदर की जो मीटिंग चल रही है इसको सरकार को वापस कर लेना ही होगा।